नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी, इज्जत का खून। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलट फेर की अजीबोगरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिखमंगा और भिखमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गईं, और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौओं का शिकार बन गए हैं। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। आह, उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों और क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं ना थी, पर आह, निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी। हवा में उड़ती थी, सोग डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी, तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। जमाने की कोई फिक्र, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी सा शरीर आनंद, एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती थी और खुशियां हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ न आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूँ। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फ़कीर बनकर रहूँ। तुम मेरी नूर जहाँ बन जाओ, मैं तुम्हारा सलीम बनूँगा और तुम्हारी मूँगे जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र बसर करूँगा। मेरी आंखें भर आईं, खुशियाँ चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गई। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नज़र आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदमजगी ना हुई थी, मगर अब वह सईद ना था। जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दूभर थी, वह अब रात की रात गायब रहता। उसकी आँखों में प्रेम की वह उमंग ना थी, न अदाओं में वह प्यास, न मिजाज में वह गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मज़े याद आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? आह नहीं, वह अब किसी दूसरे चमन को सादाब करता था। आखिर मैं भी सईद से आँखें चुराने लगी, बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव ना थी। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नज़रों के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खिंचता था। कभी कभी बेअख्तियार जी चाहता कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, या बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुँह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। जिस आदमी के प्रेम के पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा।
रूप की ज्योति ने दरु दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफ़ेदी हुई है उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूल जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नशीली मिठास, कैसे तारीफ करूं। मुझ पर एक रौब सा छा गया, मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया। मैं आश्चर्य में थी कि यह कौन रमणी है और यहाँ क्यों कर आई। बेअख्तियार उठी कि उससे मिलूं और पूछूं कि सईद भी मुस्कराता हुआ कमरे में आया। मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी जरूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए, आँखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आँखों में अब वह रमणी रूप की देवी नहीं, डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी मेरी तस्वीरों को देखती रही, तब कमरे से निकली। चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ़ देखा, उसकी आँखों से अंगारे निकल रहे थे, जिनकी किरणों में हिंसा प्रतिशोध की लाली झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, सईद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते। मैं सब्र के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगे ना रहीं तो पीड़ा क्यों होती? सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिहास दरख्तों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुँह से चिंगारियाँ जैसी आहें निकल रही हैं। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे, गोया रोशनी की बाढ़ें छूट रही हैं। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालतें हसद के मारे हुए दिलों पर भी अपना जादू कर जाती हैं। बगीचे में एक गोल बंगला था, मैं उसमें आई और बरामदे की एक कड़ी में झूला डलवा कर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसका हाल उसको नहीं मालूम जिसकी इच्छा पूर्ण है। मैं चाव से मल्हार गाने लगी। सावन विरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों में बयान की गई थी कि बरबस आँखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद और हसीना दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो हसीना, बारह मासे और मल्हार की ताने उड़ेंगी, साजिंदे आ रहे हैं। मैं शौक से, हसीना तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। सईद ने मुझसे कहा, जुबैदा तुम अपने कमरे में चली जाओ, यह इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त न रहा, अकड़ कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ, एक कुतिया दूसरों की उगली हुई हड्डियाँ चिचोड़ती फिरती है। अब सईद के भी तेवर बदले, मेरी तरफ भयानक आँखों से देख कर बोली, जुबैदा तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है? सईद का यह जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। मैं तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हों, उन्हीं से यह जहर निकले और बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज और हकीर हो गई हूँ कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गालियाँ दे सकती है? और मेरा जवान खोलना मना। मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार है या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। सईद, मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी, तुम खुद कर सकते हो। बेवफाई की, इसका मलाल मुझे ज़रूर था,
मगर मैंने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो कि हया फरोस औरत के पीछे मुझे इस तरह जलीज करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज होकर कहा, तू मुझे हया फरोस कहती है? मैं बेशक कहती हूँ सईद, और मैं बेगैरत हूँ। मैं बेशक बेगैरत ही नहीं, सोहदेबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफ़ी नहीं। मैं यह बातें कह रही थी कि एकाएक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ लीं, और पलक मारते भर में हसीना ने झूले की रस्सियां उतारकर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे यह याद नहीं, पर मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐसा मालूम होता था कि यह तीनों इंसान नहीं यमदूत हैं। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रौबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबदार खंजर दे देती, तो भी ज़मीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ न कर सकती। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर यह कहर नाजिल हुआ है, शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की यह सज़ा मिल रही है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई जिसकी यह सज़ा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चली गईं। मैंने समझा मेरी सज़ा खत्म हुई, लेकिन क्या यह सब मुझे यूं ही बंधा रखेंगे? लौंडिया मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहें? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियां क्यों कर खोलूं, मगर अफसोस मुझे ना मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है। मैं अब तक ना जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल में बहस कर रही थी कि अपनी इस जिल्लत मुझ पर कहाँ तक है। अगर मैं हसीना की उन दिल जलाने वाली बातों का जवाब न देती तो क्या यह नौबत न आती? आती, और ज़रूर आती। वह काली नागिन मुझे डसने का इरादा करके चली थी, इसलिए उसने ऐसे दिल दुखाने वाले लहजे में ही बात शुरू की थी। मैं गुस्से में आकर उसको लान तान करूं और उसे मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी जोर से बरसने लगा, बौछारों से मेरा शरीर तर हो गया था। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या मिसकाउट हो रही है, मगर मेह की सनसनाहट के कारण आवाज़ें साफ न सुनाई देती थी। इतने लालटेन फिर से बरामदे में आई और तीनों डरावनी सूरतें फिर सामने आकर खड़ी हो गई। अब कि उस खून परी के हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली वहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखकर बोली, बेगम साहिबा, मैं तुम्हारी बदजवानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज़्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं होता। यह कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलमिला गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिंगारी रख दी। मुझसे जब्त ना हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भी ना मारा था। जोर से चीखें मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गईं। उन हिंदू देवियों का दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती थी। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा हो। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़े विनती के स्वर में बोली, सईद, खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो,
लेकिन यह मुसीबत सहने की मुझमें ताब नहीं। उन दिलजोइयों को याद करो, मेरी मोहब्बत का याद करो, उसी के सदके इस वक्त मुझे इस अजाब से बचाओ, खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन बातों से कुछ पिघला, हसीना की तरफ डरी हुई आँखों से देखकर बोला, जरीना मेरे कहने से अब जाने दो, मेरी खातिर इन पर रहम करो। जरीना तेवर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सईद क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों की काफ़ी सज़ा नहीं हुई? जरीना तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कद्र की, मैंने रानियों से चिलमचिया उठवाई है, यह बेगम साहिबा है किस ख्याल में, मैं इसे अगर कुछ छुरी से काटूं तब भी इसकी बदजवानियों की काफ़ी सज़ा ना होगी। सईद मुझसे अब यह जुल्म नहीं देखा जाता। जरीना आंखें बंद कर लो। सईद जरीना गुस्सा ना दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इन्हें माफ़ करो। जरीना ने सईद को ऐसी हिकारत भरी आँखों से देखा गोया वह उसका गुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंत्र मार दिया था कि उसमें खानदानी गैरत और बड़ाई व इंसानियत का जरा भी एहसास बाकी न रहा था। वह शायद उसे गुस्से जैसे मर्दाना जज्बे के काबिल ही ना समझती थी। हुलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता, कोई शक नहीं रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा, क्यों ना हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम ही से किया है, मैं तो हया फरोश कुतिया ही ठहरी। सईद तुम ताने देती हो और मुझसे यह खून नहीं देखा जाता। जरीना तो यह कमची हाथ में लो और इसे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा, इसका यही इलाज है। जरीना फिर वही मजाक, नहीं मैं मजाक नहीं करती। सईद ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया, मगर मालूम नहीं जरीना को क्या सुबह पैदा हुआ, उसने समझा शायद वह कमची को तोड़कर फेंक देंगे। कमची हटा ली और बोली, अच्छा मुझसे यह दगा तो लो, अब मैं ही हाथों की सफाई दिखाती हूँ। यह कहकर उस बेदर्द ने मुझे बेतहाशा कमचियाँ मारना शुरू की। मैं दर्द से ऐंठ ऐंठ कर चीख रही थी, उसके पैरों पड़ती थी, मिन्नतें करती थी, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को जरा भी रहम न आता था। सईद काठ के पुतले की तरह दर्दो सितम का यह नज़ारा आँखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरा बड़े से बड़े दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाता। मेरी पीठ छिलकर लहूलुहान हो गई, जख्म पड़ते थे, हरेक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्रे लगाए, यहाँ तक कि कमची को मुझ पर रहम आ गया, वह फट कर टूट गई, लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसान का दिल न पिघला। मुझे इस तरह जलील और तबाह करके तीनों खबीस रूहें वहाँ से रुखसत हो गईं। सईद के नौकर ने चलते वक्त मेरी रस्सियाँ खोल दी, मैं कहाँ जाती, उस घर में क्यों कर कदम रखती। मेरा सारा जिस्म नासूर हो रहा था, लेकिन दिल के फफोले उससे कहीं ज़्यादा जानलेवा थे। सारा दिल फफोलों से भर उठा था, अच्छी भावनाओं के लिए भी जगह बाकी न रही थी। उस वक्त मैं किसी अंधे को कुएं में गिरते देखती तो मुझे हंसी आती, किसी यतीम का दर्दनाक रोना सुनती तो उसको मुँह चढ़ाती। दिल की हालत में एक ज़बरदस्त इंकलाब हो गया था। मुझे गुस्सा ना था, गम ना था, मौत की आरजू ना थी, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना ना थी। उस इंतहाई जिल्लत ने बदला लेने की इच्छा को भी ख़त्म कर दिया था। हालांकि मैं चाहती तो कानूनन सईद को शिकंजे में ला सकती थी, उसे दाने दाने के लिए तरसा सकती थी, लेकिन यह बेइज्जती, यह बेआबराई, यह पामाली बदले के ख्याल के दायरे से बाहर थी।
बस सिर्फ एक चेतना बाकी थी और वह अपमान की चेतना थी। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या यह दाग किसी तरह मिट सकता था? हरगिज नहीं। हाँ, वह छिपाया जा सकता था और उसकी एक ही सूरत थी कि जिल्लत के काले गड्ढे में गिर पड़ूं ताकि सारे कपड़ों की स्याही इस स्याह दाग को छिपा दे। क्या इस घर से बियाबान अच्छा नहीं जिसके पेंदे में एक बड़ा छेद हो गया हो? इस हालत में यही दलील मुझ पर छा गई। मैंने अपनी तबाही को और भी मुकम्मल, अपनी जिल्लत को और भी गहरा, अपने काले चेहरे को और भी काला करने का पक्का इरादा कर लिया। रात भर मैं वहीं पड़ी, कभी दर्द से कराहती और कभी इन्हीं ख्यालात में उलझती रही। यह घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और भी मजबूत होता जाता था। घर में किसी ने मेरी खबर न ली। पाँव फटते ही बगीचे से मैं बाहर निकल आई। मालूम नहीं मेरी लाज शर्म कहाँ गायब हो गई थी। जो शख्स समुंदर में गोते खा चुका हो उसे ताल तलैयों का क्या डर। मैं जो दरो दीवार से शर्माती थी इस वक्त शहर की गलियों में बेधड़क चली जा रही थी। चोर कहाँ? वहीं जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लुटती है। इसके तीसरे दिन रूप की मंडी के एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता था। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहने कतार की कतार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाज़ार की बेशकीमती जींस भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनों के झूले थे, कहीं सावन की मीत। लेकिन मुझे इस बाज़ार की सैर दरिया के किनारे से ज़्यादा पुरलुत्फ मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता है कि शहर की ओर सब सड़कें बंद हो गई हैं, सिर्फ यही तंग गली खुली हुई है और सबकी निगाहें कोठों ही की तरफ लगी थी। गोया वह ज़मीन पर नहीं चल रहे हैं, हवा में उड़ना चाहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया। वह भी घूरते थे मगर कनखियों से। अधेड़ उम्र के लोग सबसे ज़्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मंशा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था? एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिलगी करते थे, लुत्फ उठाने के लिए नहीं, हसीनों को सुनाने के लिए। मुँह दूसरी तरफ था, निगाह किसी दूसरी तरफ। बस भांडों और नक्कालों की मजलिस थी। एकाएक सईद की फिंटन नज़र आई। मैं उस पर कई बार सैर कर चुकी थी। सईद अच्छे कपड़े पहने अकड़ा हुआ बैठा था। ऐसा सजीला बांका जवान सारे शहर में ना था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन बरसता था। उसकी आंखें एक बार मेरे कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गईं। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा, दम के दम में फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई हकीकत ना थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। यह कटार कमचियों से कहीं ज़्यादा तेज थी। उसकी हिम्मत ना थी कि अब मुझसे आँख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया, उसे उम्र भर के लिए दिले कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था, क्योंकि उसे अपने खानदान के बड़प्पन का घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्जा सईद का काम तमाम कर दिया। उसकी लाश उसी बगीचे के गोल कमरे में मिली। सीने में गोली लग गई थी। 9 बजे दूसरी खबर सुनाई दी, जरीना को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर डाला था। उसका सर तनजुदा कर दिया गया। बाद को जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि यह दोनों वारदातें सईद के ही हाथों हुई। उसने पहले जरीना को उसके मकान पर कत्ल किया और तब अपने घर जाकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत
मेरे दिल में ताज़ा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अब मुझे यहां से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि वर्षों के बाद आई हूं। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर में पांव रखा तो बरबस सईद की मुस्कुराती हुई सूरत आँखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बांकपन, वही मनुहार की आँखें। बेअख्तियार मेरी आँखें भर आईं और दिल से एक ठंडी आह निकल गई। गम इसका ना था कि सईद ने क्यों जान दे दी, नहीं, उसकी मुजरिमाना बेहिसी और रूप के पीछे भागना, इन दोनों बातों को मैं मरते दम तक माफ़ न करूंगी। गम यह था कि यह पागलपन उसके सर में क्यों समाया। इस वक्त दिल की जो कैफियत है उससे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा। अपनी जिल्लत की याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद रोज़ा मोहब्बत का नक्श बाकी रहेगा और अब यही मेरी ज़िंदगी का सहारा है।